मुझे डर लगता है, जिस घर में हम शूट कर रहे थे वो उसका एक एरिया जो है वो हॉन्टेड था, तो एक लॉक्ड रूम था, काफ़ी अरसे से वो लॉक था, तो अंदर से एक कुत्ता निकल के बाहर भागा, तो हम सब हैरान हुए कि एक बंद रूम में कैसे कुत्ता हो सकता है, और अगर होगा भी तो वो भौंकेगा। कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है? शूटिंग का ही पार्ट था, हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उनको गेटअप करके एक जगह पर बिठाया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया मेरा ना कुछ गला घोट रहा है और मुझे सांस नहीं आ रहा, और वो अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गई। साया 3 के बारे में क्या ख्याल है? साया 3 बने, साया 4 बने, साया 5 बने। आप तो राशिद रहेंगे। मैं दादे के कैरेक्टर तक जो है वो काम करने के लिए तैयार हूँ। कैरेक्टर्स ही किसी भी हॉरर स्टोरी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और ऐसा ही एक कैरेक्टर साया 1 में और साया 2 में भी जो है वो सुहेल समीर साहब का रहा है, राशिद का कैरेक्टर है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, साया 1 में भी आप लीड रोल पर रहे और अब साया 2 में भी जो है वो आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है राशिद का, तो इस कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है कि और क्या सोचकर आपने इस कैरेक्टर को पिक किया था जब पहले ऑफर हुआ था? जब मुझे कैरेक्टर ये ऑफर हुआ तो इसका डायरेक्टर जो थे फोरम, वो बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस था उनके साथ, तो मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, और फिर जब आपकी मेहनत हो और हर काम नियत से किया गया हो तो फिर मेरा ख्याल है कि आउटपुट अच्छा ही निकलता है। तो सेम एज इट इज़ ऐसा ही साया 2 में भी है कि अब यंग टू ओल्ड का कैरेक्टर था कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जब मुझे हुआ कि अब बच्चे बड़े हैं तो एक्चुअली उसकी जो बाउंडिंग थी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी साया 1 के साथ, तो आई एम हैप्पी कि मैं इसका भी पार्ट हूँ। और मेहनत करते हैं, देखें अच्छी चीज़ में से बुरी निकालना ये आपकी अपनी फितरत है और अपनी नेचर है, आप अपना दी बेस्ट दें, बाकी अल्लाह पर छोड़ें, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी लोग इसको वैसे ही अप्रिशिएट करेंगे जैसे कि साया 1 को किया था। अच्छा, हॉरर ड्रामे बनाना भी एक तो बहुत मुश्किल है, उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ उन्हें परफॉर्म करना, खुद को कितना ज़्यादा चैलेंजिंग लगा है ये कैरेक्टर? मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा बाकी जितने भी लोग हैं ये उनकी ज़्यादा एफर्ट है, जिन्होंने ज़्यादा इसमें मुश्किल काम किया है, तो मैं तो सेट पर होता हूँ और हम देख रहे होते हैं कि हम लिमिटेड से सोर्सेज में किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कोई कहानियों का मसला है या एक्टिंग का मसला है, लोगों को कास्ट नहीं मिलती जो ये हम लोग हॉरर की तरफ नहीं जा रहे? थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम उस तरह से वाइडर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ तक बात है परफॉर्मेंसेज की तो उसमें कोई कमी नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारे एक्टर्स को खड़ा कर दें, वो किसी से कम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम हमारे अंदर यहाँ पर ये है कि हम अपनी चीज़ों को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, अंडर रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने क्या सोच के जो है वो साया 1 का स्क्रिप्ट जो है उसको अप्रूव किया था, या आपने सोचा कि कुछ है ऐसा जो ये करना चाहिए? उसमें फैमिली बाउंडिंग को बहुत जो है वो था, और उसके अलावा जो हमारा सोशल इश्यूज में उसमें ये भी था कि सास बहू के झगड़े, तो वो सब चीज़ें। यूट्यूब पर जो है वो राशिद का एक अलग से कमेंट्स चल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है। थैंक यू सो वेरी मच, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो वेरी मच, आई एम रियली ग्रेटफुल देम। कोशिश यही है कि शौक अगर है तो मेहनत के साथ भी अगर काम कर लिया जाए तो आउटपुट अच्छा निकल आता है। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा सीन हुआ है जिसमें आपको खुद भी डर लगा हो या लगता है डर आपको? मुझे डर लगता है, जब हम साया 1 शूट कर रहे थे तो एक हॉन्टेड थी लोकेशन जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट हुए थे, लेकिन हमने उसको भी इंजॉय किया। अच्छा, क्या हुए थे? अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली जिस घर में हम शूट कर रहे थे वो उसका एक एरिया जो है वो हॉन्टेड था, तो कहा गया कि यार कि यहाँ पर शूट ना करें। अच्छा। तो फिर हमने सबने लाइट ही लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, तो एक लॉक्ड रूम था, तो जब उस रूम को खुलवाया गया तो काफ़ी अरसे से वो लॉक था, तो अंदर से एक कुत्ता निकल के बाहर भागा, तो हम सब हैरान हुए कि एक बंद रूम में कैसे कुत्ता हो सकता है, और अगर होगा भी तो वो भौंकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो इंसिडेंट ज़रा थोड़ा सा हमें चौंका देने वाला कि क्या हो गया और कैसे हो गया। बिलीव करते हैं आप इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर? कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है? अल्लाह ना करे वैसे किसी का ख़राब एक्सपीरियंस। नहीं, मेरा बिलीव है डेफिनेटली, अगर कुरान में है कि ये है तो वो तो बिलीव है, और पर्सनल भी हुआ है एक्सपीरियंस। तो अब मैं ये ज़रूर आपसे पूछूंगी कि वो क्या एक्सपीरियंस था। अच्छा, कुछ छुए लफ्ज़ों में बता दें।
चलें इसी का ही था कि जब हम ये शूट कर रहे थे, इसी शूटिंग का ही पार्ट था। तो हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट थी शाहीन, शायद उनका नाम था, तो हमने उनको गेटअप करके एक जगह पर बिठाया, तो उसी रूम की एक जगह पर, तो वो एकदम से जो है वो अजीब सी उनकी हालत हो गई और वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया मेरा ना कुछ गला घोट रहा है और मेरे सांस नहीं आ रहा और वो अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गई। तो ये वो है इंसिडेंट जो हमने खुद अपनी आंखों से जो है वो देखा और फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर उनकी ट्रीटमेंट किया गया और वो ठीक हो गई। अच्छा अभी तक देखें एपिसोड्स में हमने देखा है कि राशिद ने जो वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है तलाल को अपने घर भी ले आए, तो ये कंट्रोल हो जाएगा जिन तलाल से या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ जो है वो राशिद जाएगा? मेरे ख्याल में जिनका तो मुझे पता नहीं है, मैं ये रिवील नहीं करूँगा, लेकिन नवीद रजा इस करेक्टर को बहुत अच्छे से टैकल करेगा। साया 3 के बारे में क्या ख्याल है कि होना चाहिए बनना चाहिए, ये सीज़न इन्जॉय करेगी पब्लिक? देखें साया 3 बने, साया 4 बने, साया 5 बने, आप तो राशिद रहेंगे। मैं दादे के करेक्टर तक जो है वो काम करने के लिए तैयार हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि चैनल और हमारा प्रोड्यूसर जो है अगर वो चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं। समी भाई ने बहुत मेहनत से इसको किया है क्योंकि साया 1 का ग्राफ बहुत हाई था, तो समी भाई ने भी जो है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है अपने मेहनत और लगन में और काम करवाने में और काम करने में। तो मेरा ख्याल है कि कोई इट्स नॉट अ बिग डील के साया 3 भी अनाउंस हो और इंशाल्लाह ये भी सक्सेसफुल जाएगा और हाई रेटिंग होगा, उम्मीद और यकीन तो यही है, बाकी होना हुई है जो अल्लाह का। अच्छा उमरा करके आप अभी आए, ये सआदत भी आपको हासिल हुई, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया। तो अब सुहेल समीर साहब में अपने अंदर कोई ऐसी चेंजेस या कोई अपने आप से अहद हुआ है कि अब वहाँ से आके जो है इस तरफ तवज्जो देनी है, इस तरफ से हटना है? थैंक यू सो मच, और मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वहाँ पर मैं हाज़िरी देकर आया। और तो वहाँ से होके आने के बाद मैं काफ़ी हद तक काम हो गया हूँ। खैर गुस्सा तो मैं पहले भी नहीं इतना करता था, लेकिन अब जो है वो और ज़्यादा चीज़ें हैं। सारा गुस्सा आपने माही का भाई बनने में कर लिया था? हाँ वो एक्टिंग ही थी, वैसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सफ़र के बाद मेरी ज़िंदगी का जो है काफ़ी जो मैं इंग्लिश वाला सफ़र कर रहा था काफ़ी कम हो गया। और ये कुदरती बातें हैं कि रास्ते आपके जो है वो बनते चले जाते हैं, मुश्किलें आपकी जो है वो आसान होती चली। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपका ये यकीन है कि आपका राजिक अल्लाह है और इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो बस सिर्फ आपको एक काम करना है और वो ये है कि इस यकीन और एतकाद के बाद उन सब कामों से ज़रा दूर रहें जिससे उसकी नाराज़गी है, तो मेरा ख्याल है कि रास्ते आसान हो जाते हैं। अच्छा मज़ीद हम आपको अब किस जगह पर देखेंगे, क्या प्लान्स हैं आपके, कहाँ नज़र आने वाले हैं आप? थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, 2-3 वेब सीरीज़ हैं उनकी शूट चल रही है, 1-2 जियो के प्रोजेक्ट हैं डिफरेंट का। हाँ डिफरेंट का। थैंक यू सो मच सुहेल साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और ये जो सारे एक्सपीरियंसेस आपने हमें शेयर किए यकीनन ये हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आपको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जो सेट पर होता है वो एक्टिविटीज़ अक्सर आप तक नहीं पहुँचती, लेकिन हम इसीलिए यहाँ आते हैं कि ना सिर्फ आपकी मुलाकात उन स्टार्स से करवाएँ, उन एक्टर्स से करवाएँ कि जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि सेट भी विज़िट कराया जाए और आपको बताया जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो मैं आपको मज़ीद भी एक्टर्स से मिलवाती रहूँगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।